करो बाबू, सेना के पापा से बात कर लेंगे। काहे इधर उधर होम ट्यूशन के चक्कर में बाबू लगे भी हो सेना, है ना, पैसा की बर्बादी। वही पैसा आप हमको दीजिए, देखिए आपको हम सब कवर करवा देते हैं। देखो आपको हम क्या पढ़ा रहे थे, देखिए आप लोग के लिए बाबू एक पिरामिड बना है ना, ये कौन सा पिरामिड है, कौन दिखाएगा बताओ, कैसा पिरामिड है? स्क्वायर पिरामिड। एक पिरामिड ये है ना, ये है, ठीक ठीक सर। अच्छा और एक बनाया यह सर। है, बनाए थे बाबू, बनाए थे, क्या करे, आधा घंटा बीच में टाइम मिला हमको, स्कूल से आधा घंटा मिला तब कैसे बताए, है ना, तो इसी को बनाए थे आप लोग का, ठीक है ना, इसको ऐसे करो ऐसे करो, है ना, वो रोटेट करो, है ना, दो साइड पेंट का, एक ये पिरामिड है ना, ये वाला कि नहीं, है ना, रेक्टेंगल सर, ये ट्रायंगल सर, भी उसको बना बताते बनाना। बताते, चलो ठीक है। अब बाबू हम लोग क्या पढ़ रहे थे, वो आपको हम क्या पढ़ा रहे थे, पिरामिड पढ़ा रहे थे, क्या पढ़ा रहे थे, तो पिरामिड पढ़ा रहे थे, तो थोड़ा सा रिकैप कर देते, जानवी दास है ना बाबू, ऐसे रिकैप कर देते। देखो क्या होता है बाबू, ठीक है, मान लो बाबू आपका ये क्या है, ये बाबू है ना, उसके बाद हम लोग टाइप्स ऑफ पिरामिड पढ़ाएंगे ना, थोड़ा सा रिकैप कर देते, रिकैप कर देते ताकि आपको रिवाइज हो जाए। मन से पढ़ना सियोना, दम ऐसा पढ़ना बाबू, एकदम हमारे एकदम बाबू, अंगुल की सबसे तेज स्टूडेंट सियोना, भूषण प्लांट के सबसे तेज स्टूडेंट सौम्या, है ना, नेक्स्ट बाबू अरे एजी भूषण कोनी नहीं का, है सर, ये टाटा है अच्छा टाटा, पहले भूषण था बाबू, सर। टाटा सुनने में अच्छा नहीं लगता अभी। झारसुगुड़ा का भूषण सबसे तेज स्टूडेंट अंशु जी, है ना बाबू, उड़ीसा का आर्यन आनंद, कि ना, चलो ठीक है। ये आपको जो दिख रहा है बाबू, ये कैसा है सर, स्क्वायर पिरामिड है, कैसा बाबू, उसको भूल गए सर, हमारी जानवी दास अदित्री कहाँ गई बाबू, ये सब बाबू सुपर डुपर तेज बनेंगे, है ना, ठीक है, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, है ना, चलो अच्छी बात है, ठीक, इसको भी हमको फिक्स करवाना पड़ेगा। देखो बाबू आपको कल बताया था शैतान, कल बताया था ना वो, कल बताया था ना, इसको ऐसे रखो, ज्यादा आपको विजुलाइज होगा ना, कल आपको बताओ पिरामिड के बारे में बता रहे थे, क्या बता रहे थे, पिरामिड के बारे में बता रहे थे ना, पिरामिड के बारे में बता रहे थे ना, ठीक है, तो इसको थोड़ा सा रिकैप कर लेते, क्या कर लेते, वो रिकैप कर लेते, है ना, ये बाबू इसको हम लोग क्या करते हैं, जहाँ पे बाबू यहाँ से ये जो लाइन जा रहा हो, है ना, ये नीचे बेस से बाबू एक लाइन ड्रा करो, एक लाइन ड्रा करो, है ना, तो जहाँ पे सारे पॉइंट मीट करे बाबू, इसको हम लोग क्या कहते हैं, वर्टेक्स कहते हैं, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, वर्टेक्स कहेंगे, क्या कहेंगे शैतान मेरे, वर्टेक्स कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, वर्टेक्स कहेंगे ना, वर्टेक्स कहेंगे, ठीक है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे, वर्टेक्स कहेंगे, ठीक बाबू, नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, ये मेरा क्या करेगा, नीचे जो ये आपको दिखाई दे रहा है, ये हम लोग मेरा क्या बनेगा, ये बेस बनेगा, ये क्या बनेगा, बेस बनेगा, पिरामिड का क्या बनेगा, बेस बनेगा, बेस बनेगा, है ना, बेस बनेगा, ठीक, नेक्स्ट बाबू, इधर जो सर्फेस ये वाला दिखाई दे रहा है, एकदम शांति से पढ़ना, ये वाला जो सर्फेस दिखाई दे रहा है, इसको हम लोग कहते हैं लेटरल सरफेस, क्या कहेंगे वो, लेटरल सरफेस कहेंगे, लेटरल सरफेस कहेंगे, है ना, लेटरल सरफेस कहेंगे ना, लेटरल सरफेस कहेंगे, ठीक है ना बाबू, अच्छी बात है ना, क्या कहेंगे, लेटरल सरफेस कहेंगे, ठीक, नेक्स्ट बाबू, ये जो आपको लाइन दिखाई दे रहा है, ये वाला लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये लाइन, ये चार को लाइन दिखाई दे रहा है, इसको एज कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एज कहेंगे, इसको क्या कहेंगे, एज कहेंगे, चार लाइन है ना बाबू, एक लाइन इधर सर, ये सर, है ना बाबू, ये वाला, इसको क्या कहेंगे, एज कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, एज कहेंगे, है ना, एज कहेंगे, ठीक है ना, एलकेजी का चीज, ठीक, नेक्स्ट बाबू, एक होता है सलाइंट हाइट, एक होता हाइट और एक होता है सलाइंट हाइट, दोनों में अंतर होता है, ध्यान देना, यहां से बाबू एक लाइन ड्रा करो और यहाँ पे क्या करो, ये मिला दो, तो ये जो हाइट होगा, ये जो हाइट होगा, इसको कहे हुए सलाइंट हाइट, मार्कर भी खत्म हो गया, इसको क्या कहेंगे बाबू, सलाइंट हाइट कहेंगे, क्या कहेंगे, सलाइंट हाइट कहेंगे ना, इसको क्या कहेंगे, सलाइंट हाइट कहेंगे, है ना, इसको क्या कहेंगे, सलाइंट हाइट कहेंगे, यहाँ से यहाँ जो लाइन है बाबू, है ना, यहाँ से जो यहाँ लाइन है ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, सलाइंट हाइट कहेंगे, सलाइंट हाइट कहेंगे ना, सलाइंट हाइट कहेंगे, ठीक, हाइट क्या होगा सर, हाइट क्या होगा, हाइट बाबू ये वर्टिक्स है, ये वर्टिक्स है जो अपेक्स है, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, वर्टिक्स कहेंगे, इसको आप लोग पढ़ाए थे ना, इसको हम लोग क्या कहेंगे, वर्टिक्स कहेंगे, क्या कहेंगे, वर्टिक्स कहेंगे, चाहे क्या कहेंगे, अपेक्स कहेंगे, है ना, ठीक बाबू, तो ये वर्टिक्स है बाबू, वर्टिक्स है बाबू, है ना, वर्टिक्स है बाबू, यहाँ से बाबू अपोजिट साइड पे एक परपेंडिकुलर ड्रा कर दो, है ना, वर्टिक्स है बाबू, इस साइड पे इसके मिडिल में एक लाइन ड्रा कर दो, है ना, तो इसी को हम लोग क्या कहेंगे, इसी को हम लोग क्या कहेंगे बाबू, इसी को हम लोग क्या कहेंगे, हाई परपेंडिकुलर, क्या कहेंगे, अल्टीट्यूड कहेंगे, या क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे, सलाइंट हाइट बाबू, और हाइट में डिफरेंस होता है, पिरामिड का सलाइंट हाइट क्या होगा, सलाइंट हाइट बाबू, यहाँ वर्टिक्स बाबू, यहाँ पे जो लाइन ड्रा होगा, क्या आप कहना चाह रहे हैं मेरे लाल, हम कुछ नहीं कहना चाह रहे, शांति से समझो, सलाइंट हाइट क्या होगा सर, तो ये वर्टिक्स है बाबू, ये बेस है ना, तो यहाँ से जो ये लाइन पास कर रहा है, इसको सलाइंट हाइट कहेंगे, इसको क्या कहेंगे बाबू, सलाइंट हाइट कहेंगे ना, या बाबू इधर इधर भी देखोगे तो यहाँ से बाबू ऐसे करके जो लाइन पास होगा, इसको क्या कहेंगे, सलाइंट हाइट कहेंगे, और हाइट किसको कहेंगे बाबू, हाइट कैसे किसको कहेंगे, तो पिरामिड का वो यहाँ वर्टिक्स है बाबू, और इधर बाबू इधर वर्टिक्स से एक लाइन ड्रा करो और इधर से पास करवा दो, ऐसे बाबू इंड करके, है ना, या जैसे एक पिन इंड करो, इधर निकल जाएगा, है ना, तो अंदर से बाबू, अंदर से जब ओपन करो बाबू, है ना, कैसे सर, कैसे सर, अरे शैतान कल बताया था ना बाबू, कल बताया था ना, देखो क्या करो,
इसका पिरामिड का हाइट कौन होगा, तो यहाँ से बाबू एक पिन पास करो, है ना। चलो हाँ ये हो गया, ठीक है सर। यहाँ बेस से बाबू क्या कह रहे हैं बाबू, इसको जस्ट बाबू कहाँ कर दो, अपोजिट में लेकर चल जाओ, है ना। तो ये जो हाइट हो रहा, जो अंदर से पास हो रहा, जो अंदर से पास हो रहा, उसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म का क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे। प्रिज्म का क्या कहेंगे, वो हाइट कहेंगे, है ना। प्रिज्म का क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे, है ना, हाइट कहेंगे, है ना। ये ध्यान देना, है ना, वो हाइट कहेंगे, है ना। इसको क्या कहेंगे, शैतान, हाइट कहेंगे। बार बार इधर रहते हैं ना, चलो ठीक है ना। यहाँ से ठीक है, इधर से इधर के बीच को डिस्टेंस है वाला, इसको हम लोग क्या कहेंगे, प्रिज्म का क्या कहेंगे, वो हाइट कहेंगे। प्रिज्म का क्या कहेंगे, हाइट कहेंगे, है ना, हाइट कहेंगे। यहाँ से ये, है ना, सलाइन हाइट किसको सर, यहाँ से ये तो तिरछा लाइन होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे, सलाइन हाइट कहेंगे, सलाइन हाइट कहेंगे, ठीक है। ये वाला ऊपर वाला जो पॉइंट है, ऊपर वाला जो पॉइंट हो, ऊपर वाला जो पॉइंट है, इसको हम लोग क्या कहेंगे, अपेक्स कहेंगे, इसको अपेक्स कहेंगे। यहाँ पे ये जो साइड दिख रहा है, ये जो एजेज दिख रहा है, इसको क्या कहोगे, एजेज कहोगे, इसको क्या कहोगे, एजेज कहोगे, ठीक है। ये जो पूरा सरफेस दिख रहा है, ये सरफेस जो पूरा दिख रहा है, दो नंबर दो नंबर दोनों, इसको लेटरल फेस कहेंगे, क्या कहेंगे, लेटरल फेस कहेंगे, क्या कहेंगे वो, लेटरल फेस कहेंगे ना, है ना, लेटरल फेस कहेंगे। शैतान ओपन हो क्या, ठीक, इसको हम लोग क्या कहेंगे बाबू, लेटरल फेस कहेंगे, है ना। जैसे दो नंबर हो गया सर, है ना, इधर से बाबू एक नंबर हो गया, एक नंबर हो गया ना, ये सब क्या बाबू, लेटरल फेस हो गया, लेटरल फेस हो गया, है ना, लेटरल फेस हो गया। बेस कौन हो गया, वो ये नीचे वाला जो एरिया आपको ये दिखाई दे रहा है, जिस पे फ्रिज में से रखा हुआ है ना, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, बेस कहेंगे, बेस कहेंगे। तो इतना बेसिक टर्मिनोलॉजी था, इतना क्या था बाबू, प्रिज्म का बेसिक टर्मिनोलॉजी था, है ना, प्रिज्म का बेसिक क्या था, टर्मिनोलॉजी था कि नहीं, है ना, ठीक है बाबू, अच्छी बात है ना। तो इतना बेसिक टर्म में आज हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, आज हम लोग पढ़ेंगे बाबू टाइप्स ऑफ प्रिज्म पढ़ेंगे, टाइप्स ऑफ प्रिज्म पढ़ेंगे ना, टाइप्स ऑफ प्रिज्म पढ़ेंगे। द टाइप्स ऑफ प्रिज्म बाबू बहुत टाइप का होगा, है ना, हम लोग जो जो बेसिक यूज होगा उसी को पढ़ेंगे। मान लो बाबू, शांति से समझना, शांति समझना, मान लो बेस कैसा है सर, बेस कैसा बाबू, बेस कैसा है ना, बेस कैसा बाबू, बेस रुको, चलो ठीक है, हाँ बाबू, मान लो बेस कैसा सर, ट्रायंगल है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म कहेंगे, ठीक है, शांति समझना। बेस अगर बाबू यहाँ कैसा है, ट्रायंगल दिख रहा है ना, वो ट्रायंगल दिख रहा है, ट्रायंगल को हम ऑलरेडी बताए थे, तो बेस कैसा, अगर ट्रायंगल है तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर प्रिज्म कहेंगे, क्या कहेंगे बाबू, ट्रायंगुलर प्रिज्म कहेंगे ना, ट्रायंगुलर प्रिज्म कहेंगे, ठीक है। नेक्स्ट बाबू, बेस अगर स्क्वायर होगा, यहाँ पे क्या दिख रहा है, बेस कैसा दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है ना, बेस कैसा दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है, स्क्वायर दिख रहा है ना, स्क्वायर, तो इसको हम लोग क्या कहोगे, इसको क्या कहोगे, इसको क्या कहोगे, स्क्वायर प्रिज्म कहोगे, इसको क्या कहोगे, स्क्वायर प्रिज्म कहोगे ना, स्क्वायर प्रिज्म कहोगे, ठीक है। अगर बेस सर पेंटागन हो जाएगा, बेस में मैंने बेस में क्या सर, पांच गो साइड हो जाएगा, यहाँ चार साइड है ना, एक दो तीन चार, चार साइड है। अगर बेस में रेक्टेंगल रहेगा तो उसको कौन सा प्रिज्म कहेंगे, रेक्टेंगुलर, अरे रेक्टेंगुलर पिरामिड कहेंगे, कैसा कहेंगे, रेक्टेंगुलर पिरामिड कहेंगे ना। बेस में बाबू अगर पांच गो साइड आ जाएगा, पांच गो साइड आ जाएगा, फाइव गो साइड आ जाएगा, उसको कैसा कहोगे, पेंटागोनल, पेंटागोनल पिरामिड कहोगे। छह गो आएगा, हेक्सागोनल पिरामिड, सात गो आएगा, क्या बाबू, सात गो आएगा तो उसको क्या कहेंगे, हेप्टागोनल पिरामिड कहेंगे। मतलब बहुत सारे टाइप होते हैं, बहुत सारे टाइप होते हैं, तो उतना हम लोग को नहीं पढ़ना है ना बाबू, सिंपल सा आप लोग है ना, दो तीन गो हम लोग, जैसे ट्रायंगुलर पिरामिड सबसे ज्यादा यूज होता है, स्क्वायर पिरामिड होता है, पेंटागोनल यूज होता है ना, इससे ज्यादा नहीं होता है ना बाबू। बाकी जैसे जैसे आप लोग इससे ज्यादा सिलेबस में पढ़ना भी नहीं है ना, जनरली बाबू पिरामिड तो आप लोग के सिलेबस में दिव्य नहीं करता, सिंपल सा ये वाला स्क्वायर वाला देखे खत्म कर देगा, इतना कोई पढ़ाता भी नहीं है ना। इसके बाद हम लोग क्या करेंगे, टाइप्स ऑफ पिरामिड पढ़ लेंगे, इसके बाद इसका क्या निकालेंगे, लेटरल सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया, LSA और TSA निकालेंगे, है ना, TSA निकालेंगे, कि नहीं वो, है ना, वो है ना, उसका एरिया निकालेंगे, फिर क्वेश्चन करेंगे, है ना। तभी हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, टाइप्स ऑफ पिरामिड पढ़ेंगे ना। तो दो तीन हम लोग डिफाइन कर लेते हैं, दो तीन डिफाइन कर लेते हैं, पिरामिड की जगह प्रिज्म निकल रहा है बार बार। अच्छा अच्छा ठीक है बाबू, हम लोग क्या क्या बाबू, हम लोग दो तीन पिरामिड को डिफाइन कर लेते हैं अभी ना, आपको बोले बाबू, है ना, पिरामिड बाबू बहुत सारे वैरायटी हो सकते हैं, बहुत सारे टाइप्स इसका हो सकता है। किस पे पिरामिड डिपेंड करा बाबू, पिरामिड किस पे डिपेंड करा, बेस पे, है ना, किस पे डिपेंड करा बाबू, बेस पे, है ना, बेस पे डिपेंड कर रहा है, ठीक। तो बेस जैसा होगा वैसा उसका क्या होगा, नाम होगा, जैसा बेस होगा वैसा उसका क्या हो जाएगा, नाम हो जाएगा, नाम हो जाएगा ना, नाम हो जाएगा, ठीक ठीक है ना बाबू। तो बेस में ट्रायंगल रहेगा सर, ट्रायंगुलर पिरामिड, बेस में स्क्वायर है तो स्क्वायर पिरामिड, बेस में बाबू क्या है, रेक्टेंगल है तो रेक्टेंगुलर पिरामिड, बेस में बाबू पेंटागोन है तो पेंटागोनल पिरामिड, छह गो साइड है तो हेक्सागोन पे हेक्सागोनल पिरामिड। तो यही इसी टाइप का होता है ना, इसे आप जितना जोड़ते जाओ उतना क्या होगा, आते जाएगा, आते जाएगा, है ना वो। तो नेक्स्ट हम लोग हेडिंग देंगे टाइप्स ऑफ पिरामिड, नेक्स्ट जो हेडिंग देंगे वो क्या देंगे, टाइप्स ऑफ पिरामिड, है ना, टाइप्स ऑफ पिरामिड, इंक भी खत्म हो गया, टाइप्स ऑफ बाबू पिरामिड। सर ये तो आप, सर ये सब तो आपके सिलेबस में है ही नहीं सर, तो फिर पढ़ा रहे आप बाबू, मेरे सिलेबस में वो ज्योमेट्री है, ठीक है ना, ज्योमेट्री या मेंसुरेशन है, मेंसुरेशन लिखा हुआ, हम बाबू उसको फर्दर क्लासिफाई नहीं किए, ठीक है ना बाबू। जैसे मतलब मेंसुरेशन है तो मेंसुरेशन जो टॉपिक लिखा हुआ उसमें हमने सारा कवर कर लेते, किसी भी बुक के, इंडिया के सारे बुक से कवर करवा देते है ना, तो एग्जाम के लिए ना। कौन एग्जाम के लिए, तो सबका एनुअल एग्जाम के लिए मेंसुरेशन ज्योमेट्री पढ़ा रहे थे।
हाँ बाबू एनुअल एग्जाम के लिए बाबू, तो मान लो एक ही बार एनुअल एग्जाम आएगा, अगला बार नहीं आएगा, क्लास एट में नहीं आएगा एनुअल एग्जाम, सेवन में नहीं आएगा। आएगा सर, तो सब सेम थोड़ी आएगा सर, पिरामिड थोड़ी आएगा बाबू। आपको जैसे बाबू किसी किसी बुक में, जैसे क्लास एट का स्टूडेंट था उसको बाबू कोई कोई बुक में पिरामिड पढ़ना है तो उसको थोड़ा सा पढ़ना, क्लास सेवन में बाबू लगता नहीं पढ़ना है ना। तो मेंसुरेशन जब शुरू किया बाबू तो आपको हमने कवर ही करवा दिया लगभग, ये लास्ट टॉपिक है ना। इसके बाद आप किसी भी बुक से मेंसुरेशन का क्वेश्चन बनवाओ, है ना, बनाओ, बन जाएगा, बन जाएगा। राइट प्रिस्ट दिया हुआ है क्या बाबू इस बार सर? मेरे बुक में राइट प्रिस्ट दिया हुआ है। अरे राइट प्रिस्ट, राइट प्रिस्ट बताए थे ना बाबू, ऑब्लिक प्रिज्म, राइट प्रिज्म नहीं बताया है, लिखा है कि नहीं लिखा है राइट प्रिज्म बाबू? हद करते हो शैतान। हाँ तो फिर हो गया और क्या। आपके बुक से बाबू, आपके बुक में किसी भी बुक रहे, पूरे इंडिया का किसी भी बुक से पढ़ो, आपको हम जितना पढ़ाए उससे ज्यादा नहीं पढ़ना, किसी भी स्कूल किसी भी बुक का, है ना। तो जब भी जिम मेंसुरेशन चैप्टर आएगा आपको, मान लो एटो में देखो समझो, सिक्स में भी मेंसुरेशन पढ़ना, एट में भी पढ़ना, नाइनो में मेंसुरेशन पढ़ना, सिक्स में कम पढ़ना, सिक्स में क्यूब क्यूबाइट के बारे में पढ़ना, एट में बाबू थोड़ा सा क्या पढ़ना, ये सब क्यूब क्यूबाइट सिलेंडर भी दे दिया, कोन भी दे दिया, है ना। नाइन टेन में क्या फ्रस्टम भी दे देगा, थोड़ा सा पिरामिड भी दे देगा। तो जब हम बाबू मेंसुरेशन शुरू किए सर, तो सिक्स वाला बता दिए, क्यूब के बारे में बता दिए, क्यूबाइट के बारे में बता दिए, एटो वाला बता दिए, है ना बाबू, सिलेंडर के बारे में बता दिए, कोन के बारे में बता दिए, फ्रस्टम बता दिए, है ना बाबू, टेनो के बारे में थोड़ा सा पिरामिड भी बता दिए, प्रिज्म भी बता दिए, सारा बता दिए, है ना। ताकि आप किसी भी क्लास में जाओ, है ना, यही कंसेप्ट क्लास का मतलब ये होता है, आप किसी भी क्लास में जाओ, जब भी बाबू आपको बुक में मिलेगा, है ना, वहाँ जैसे मेंसुरेशन मिलेगा तो फेयर कंप्लीट रहेगा, जैसे कॉपी उल्टोगे तो आपका सारा क्वेश्चन बुक का बन रहेगा, है ना। ये कंसेप्ट क्लास होता है, कंसेप्ट क्लास होता है। क्लास नॉर्मल क्लास में सिक्स है तो इतनी सब पढ़ाया जाएगा, सेवन है तो इतनी थोड़ा सा इतना सब पढ़ाया जाएगा ना, ये कंसेप्ट क्लास। यहाँ पे आपको कंप्लीट पैकेज देते हैं, है ना। नेक्स्ट बाबू टाइप्स ऑफ पिरामिड बाबू, है ना। तो पहला जो बाबू ट्रायंगुलर पिरामिड, समझा आनंद की नहीं समझा बाबू? आनंद समझ गया सर, समझ गया ना बाबू। तो ये नहीं समझो कि आप सिक्स में पढ़ो तो सिक्स का सिलेबस पढ़े, एट में पढ़ो एट से सिलेबस, यहाँ पे कंप्लीट पैकेज है। उसके बाद आप किसी भी क्लास के किसी भी बुक से पूरे इंडिया का बनाओ, क्वेश्चन बन जाएगा, ऐसा ही क्लास होना चाहिए। नेक्स्ट बाबू स्क्वायर प्रिज्म, समझिए हमारे सियोना? यस सर। हाँ बाबू, तो इधर उधर दिमाग मत लगा, आपके पापा से बात करा, आपको हम यहाँ बाबू कंप्लीट देंगे, टेंशन मत लीजिए, है ना, सारा सिलेबस कवर करेंगे, एट नाइन टेन तक सर आ चुके हैं। अच्छा ठीक है, बात कर लेते हैं। 9 बजे तक मेरे सोते हैं, कितने बजे बाबू आते आते, क्योंकि हमारे तक अभी 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 बाबू क्लास स्टार्ट होगा तो रात के 9:15 बजे तक चलेगा। ठीक है, लिखो लिखो जल्दी लिखो, जल्दी लिखे, जल्दी लिखे बाबू, पिरामिड लिखा बाबू, चलो ठीक है लिखो, जल्दी से लिखो। प्रिज्मा पिरामिड बाबू लगभग सिमिलर जैसा होता है ना, इसलिए बार बार ये याद आ रहा है। अभी हम लोग पिछले क्लास में पढ़े थे, पिछले पिछले क्लास में प्रिज्म में पढ़े, इसलिए बार बार याद आ रहा है। ट्रायंगुलर पिरामिड, ट्रायंगुलर पिरामिड इसको डिफाइन कीजिए, इसको डिफाइन कीजिए, समझी जानवी शर्मा पढ़ाने का स्टाइल बाबू की नहीं समझी जानवी शर्मा? ये सर समझे सर। हाँ बाबू, किसी भी बुक के किसी इंडिया के किसी भी बुक के किसी भी बाबू स्कूल के किसी भी कोचिंग का बना क्वेश्चन बनना चाहिए। आप सिक्स कराओ एट कराओ मायने नहीं रखता, सब्जेक्ट को बाबू रिलेट करके पढ़ाया जाए तो मेरे फोर्थ क्लास का बच्चा भी समझेगा। हमने बाबू आपको इसमें क्या पढ़ाया, कुछ ही लेटरल सरफेस एरिया कर्व शुरू से निकाल रहे हैं। ठीक है, नेक्स्ट बाबू ट्रायंगुलर पिरामिड। हमारी अदित्री कहाँ गई बाबू? सर अभिनव प्रकाश भी डीएवी में जाता है क्या सर? हाँ बाबू डीएवी में जाता है, देखी हो क्या बाबू? सर मेरे ही सेक्शन में सर। आपके सेक्शन में आप ही के साथ? यस सर। वाह बाबू अच्छी बात है, संजोग है कि नहीं बाबू? यस सर। सर अभी प्रकाश से जानवी शर्मा कौन से क्लास में है बाबू? इसको एक साल पढ़ा दिया था, एट में चल गए, अब सिक्स में थे एट में चल गए, डायरेक्ट एकदम एट में चल गए। ठीक है ना, तेज है ना बाबू, पढ़ने में मेहनत की है ना, ये बेस है बाबू पिरामिड। जैसे शाम का स्टूडेंट वो सेवन में था, अति वो आता है कौन आता है धर्मवीर आता है, सेवन में था, नाइन में चल गया। सर क्या करते हैं, क्या डाल टोना कर लेते हैं?
अरे सर वो देखो आप लोग बाबू जब 8 का बुक ओपन करोगे ना तो आप खुद देखो आनंद, आप अपना ये असाइनमेंट मंगाए ना एलन का, क्वेश्चन बनता है कि नहीं बनता? बन जाता है, इतना इजी दिया अलजेब्रा तो पूछे मत सर। अलजेब्रा इजी नहीं बाबू, आपको इतना पढ़ा दिया ना इसलिए इजी लग रहा है। तो उसी तरह बाबू जो 8 का जो आपको जैसे वो सब 8 का बुक देखा ना बोलता है सर ये सब तो पढ़िए लिए तो चलते 9 में, तो 9 में अच्छा लगेगा, बोरिंग लगता है क्लास में, है ना बाबू? वही बात है, ये बताओ बाबू बेस ऑफ पिरामिड बाबू, आपको आसान नहीं लगता, आपको इस तरह से ढाले हैं बाबू कि आपको सिलेबस आसान लग रहा है। ये बताओ बाबू बेस ऑफ पिरामिड बाबू इज इन द शेप ऑफ बाबू, आने वाले समय में बाबू बहुत फेमस हो जाएंगे, इस तरह से कोई पढ़ाता ही नहीं। शेप ऑफ बाबू पूरे इंडिया में कोई नहीं ऐसे पढ़ाता, 7 में 7 का सिलेबस लगा है, उसमें भी बाबू डाउटे होता है हमारे बच्चे को। If the बाबू बेस ऑफ पिरामिड बाबू इज द शेप ऑफ बाबू क्या? ट्राइंगल, देन इट इज कॉल्ड ट्राइंगुलर पिरामिड। अच्छा ठीक है वही लिख रहे, देन बाबू इट इज कॉल्ड ट्राइंगुलर पिरामिड। हमारे छोना, ये छोना यस सर 8 में गई? हाँ, तो 8 का अलजेब्रा का बुक ओपन की हो, मैथ का अपना वाला? हाँ। बन जाता है अलजेब्रा? हाँ सर, सब मेरे से तो वही है, कुछ चैप्टर है पढ़ी हो शैतान, और पढ़ी क्या हो, बीच में कंटिन्यू रहती तब धर ये भी कमांड, इसमें कहाँ से आ रही बाबू सोना, छोड़ छोड़ के तो आ रही है। सर मैंने काफी वक्त से नहीं किया इस वाले बैच में। हाँ बाबू छोड़ छोड़ के तो आ रही है, दिक्कत हो रहा बाबू। ये कैसे बना रहे सर पिरामिड? कैसे ट्रायंगल है? बेस ट्रायंगुलर है ना बाबू, ट्रायंगल शेप है कि नहीं? अब कैसा ट्रायंगल, उससे क्या मतलब? ट्रायंगल ये इक्विलेटरल हो सकता है, स्केलर हो सकता है, इसोसेल्स होता है, कोई भी ट्रायंगल हो सकता है, उससे क्या मतलब है? सर आज डिसाइड कर दीजिएगा बैच A का सर किसको मिलेगा। अच्छा ठीक है, इसमें बैच B और C में बाबू है, पहला अंशुजीत को, दूसरा आनंद को, ठीक है ना? अंशुजीत का 78 है और आनंद का 74 है। सर बैच डी का? बैच डी का अब डी में हम लोग डिस्कस कर देंगे, डी में देख लेंगे। बैच ए का? बैच ए का ए में देख लेंगे, आप लोग लेट से ना आए बाबू, बहुत बजट बिगाड़ दिया इस बार आप लोग विजिट करने के चक्कर में, घाटा विजिट करने से बाबू घाटा है, घाटा क्या पूरे घाटा। चलो कोई दिक्कत नहीं, आप लोग लिए प्रॉफिट होना चाहिए, ठीक है ना? पैसे तो आते जाते रहते हैं, ठीक है? नेक्स्ट बाबू, ये आपको क्या इधर दिखा, ये इसको हम लोग कहेंगे लेटरल फेस, इसको क्या कहेंगे? लेटरल फेस कहेंगे, ठीक है? अदित्रि समझ में आता बाबू? अदित्रि हाँ मेरे लाल, आजकल उदास रहते बाबू अदित्रि, क्या बात है अदित्रि? क्यों उदास रहते बाबू? टाइम बचेगा ना तो 5 मिनट सोना का पापा जी से बात कर लेंगे ना। जल्दी इरेज करिए, दिखाइए। अच्छा ठीक है, ये कैसा बाबू? ट्रायंगुलर पिरामिड है, कैसा बाबू? ट्रायंगुलर पिरामिड है ना, तब ये ठीक नहीं बाबू अदित्रि, नहीं समझ में आता बाबू? तो आता तो आप उदास क्यों रहती हो आजकल? पहले वाली अदित्रि नहीं रही, खोई खोई रहती है। पीटे थे क्या? अरे नहीं मिल पाए बाबू, बस सोना हंस रही, सोना तो सही तहान। सर क्यों नहीं मिल पाए? सर वो लेटरल सरफेस है या फेस है? लेटरल फेस होगा, इसको हम लोग क्या कहेंगे? लेटरल फेस कहते हैं बाबू। वैसे सरफेस भी लिख सकते हैं। वर्टिक्स हो गया, इसी को हम लोग क्या कहेंगे? अपेक्स कहेंगे, वर्टिक्स कहेंगे अपेक्स। जल्दी लिखे बाबू, स्क्वायर पिरामिड इसको डिफाइन करो, इसका फॉर्मूला जल्दी लिखो, जल्दी लिखो, जल्दी लिखो। ट्रायंगुलर का सर फॉर्मूला लिखा दीजिए बाबू, जैसे प्रिज्म में बताए ना बाबू, उसी तरह यहाँ भी बताएंगे, किसी ट्रायंगुलर का स्पेसिफिक नहीं बताएंगे, एक वो फॉर्मूला बताएंगे जो इसके लिए वैलिड है, इसके लिए वैलिड है, सारे के लिए वैलिड है, ठीक है ना? वो वाला नहीं कि इसके लिए अलग से बनाओ, कितना याद रखोगे दिमाग पर, कितना जोर पड़ो, एक वो फॉर्मूला बनाओ फिर सारे टाइप के लिए वैलिड रहेगा, ठीक है सर? नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट
स्टडी स्मार्ट होना चाहिए, स्मार्ट स्टडी होना चाहिए, ना कि बर्डन वाला। दूसरा बाबू स्क्वायर पिरामिड, कर दी है ना स्क्वायर पिरामिड। नेक्स्ट बाबू ये स्क्वायर पिरामिड में क्या बाबू, इसी में इतना बेस ऑफ पिरामिड बाबू कैसा स्क्वायर, स्क्वायर अगर बेस स्क्वायर रहेगा स्क्वायर पिरामिड, बेस रेक्टेंगल रहेगा रेक्टेंगुलर पिरामिड, ट्रायंगल रहेगा ट्रायंगुलर पिरामिड, पेंटागन रहेगा पेंटागोनल पिरामिड। कुछ करना थोड़ी है, एलकेजी का चीज। लगे रहे सौम्या, लगे रहिए बाबू। किससे लगी हो सौम्या, किससे लगी हुई हो? सर अफरीना है। कौन है? अफरीना। अच्छा तो वो किस क्लास की है? सर मेरी क्लास की है। तो बैठाइए उसको सामने, बैठाइए, क्या दिक्कत है? नो सर थोड़ा डरती है। थोड़ा क्या? डरती है सर। डरती है? यस सर। सर मुझसे कोई दिक्कत नहीं बाबू, हमारे सारे बच्चे ही है। सामने लाइए, सामने लाइए, उसको चार से पांच बुलाते हैं पढ़ाने के लिए। भाग गई सर। नहीं नहीं सर, नहीं सर ऐसा नहीं हो सकता। क्या है उसका नंबर? चार से पांच नंबर सिस्टम शुरू कर रहे हैं कल से, ठीक है ना? नहीं सर, ओडा, उसका ओडा क्लासेस है, बायजूस क्लासेस है, वो एलएन भी करती है, इतना सारा करती है ना, पागल हो जाएगी। अच्छा ठीक है। इफ द बेस ऑफ बाबू पिरामिड, बाबू इफ द बेस ऑफ पिरामिड बाबू इज इन द, अरे बड़े नाम बाबू, खाली ये नाम बड़े होते हैं, काम कुछ नहीं होता। बेस ऑफ पिरामिड बाबू इज इन द शेप ऑफ, आप किसी भी क्लास का करो, क्वेश्चन बनना चाहिए। द शेप ऑफ बाबू सर, फिजिक्स केमिस्ट्री कब से स्टार्ट कर रहे हैं? अरे वही, उसी पे अभी चर्चे चल रहा है बाबू, ठीक है ना, उसी पे चर्चे चल रहा है। आपको इस जो क्लास है ना इसको हम लोग 40-40 मिनट का दो पीरियड में कन्वर्ट करें। आपका क्लास है 7 बजे चल रहा सर फिजिक्स है ना, तो दो दो पीरियड का कन्वर्ट कर देंगे, तो तीन दिन फिजिक्स पढ़ा दे देंगे, तीन दिन केमिस्ट्री पढ़ा देंगे, अच्छे दिन मैथ पढ़ा देंगे। सर सब बच्चों का सर छुट्टी तो सर जल्दी हो जाएगा ना, मतलब जो ए बैच में है सर वो लोग 5:30 बजे जाते हैं, तो 12 बजे तक छुट्टी हो जाता होगा, चाहे 1 बजे तक। सर सर तो आप क्लास रात में करके सर थोड़ा 3-4 कर दीजिए। 3-4 नहीं सर, हम सारे बच्चे से पूछे बाबू, कोई 3 बजे कोचिंग जाता है, कोई 3 बजे आईबे करता है, किसी का स्कूल सुबह 8 बजे है, किसी का स्कूल सुबह 9 बजे है। 5-6 बाबू पूछे नहीं बाबू, आप थे नहीं सुबह में क्या बाबू प्रखर? सर 5-6 नहीं पूछा सर। आप सुबह आज आई थी कि नहीं आई थी? सर आई नहीं थी। आई थी तो उस समय सारे से डिस्कस ही कर रहे थे, उतना सारा टाइम स्लॉट जो रखे थे किसके लिए? सर मम्मी बोल रही तुम सो जाती हो 8-9 सर, इसीलिए बोल। 8 बजे सो जाती बाबू प्रखर? सर दिन में नहीं सोती ना, रात में जल्दी नींद आ जाती है, 8:30-9 बजे सर ऐसे सो जाती हूँ, थोड़ा दिन में रहता था। बाबू ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, देखो एडजस्ट करो थोड़ा सा, है ना, अभी हम लोग कम कम पढ़ लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, थोड़ा सा एडजस्ट तो करना पड़ेगा। सुबह 5 बजे उठती थी ना, तब 5 बजे उठने का डर नहीं ना रहेगा बाबू? लेट से सो, लेट से उठो। हाँ सर, तो फिर मुझे दिन में सोना पड़ेगा, मतलब दोपहर में। सर मैं दोपहर में नहीं सोती ना, मुझे रात में जल्दी नींद आ जाता है। कुछ दिन आएगा बाबू फिर, अरे शैतान, सुबह लेट से उठने लगोगे ना, मान लो आप 6 बजे उठोगे तो आपको शाम को नींद नहीं है, 1-2 दिन एडजस्ट करने में लगेगा। यस सर, 1-2 दिन लगेगा फिर हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं। हम क्या करें बाबू, हम तो ऐसा थोड़ी बाबू, आप लोग जैसे टाइम बोलो उसी तरह से हमने डिसाइड किया। 1 महीने बाद फिर से 5 बजे कर दीजिएगा। 1 महीना बाद होगा तब ना शैतान भी। ये साइड थोड़ा इसको तिरछा करना पड़ेगा। चलो ठीक है, अच्छी बात है। ये जो बाबू आपका बेस कैसा, स्क्वायर है या कैसा हो जाएगा? स्क्वायर पिरामिड हो जाएगा।
सब्जेक्ट को पैरेलल लेके चलेंगे तभी हम लोग बाबू अच्छे से कर पाएंगे। ठीक, नेक्स्ट बाबू, पेंटागोनल पिरामिड बेस जैसा रहेगा वैसा क्या रहेगा, वो नाम रहेगा, जैसा बेस रहेगा वैसा नाम रहेगा। समझ में आ रहा प्रखर सर? इन सब का फॉर्मूला नहीं होता है मेरे लाल, फार्मूला सारे के लिए एक ही फार्मूला बताएंगे, इसके बाद इसके बाद लिखा ना उसके बाद फार्मूला ही बताएंगे। प्रिज में पढ़ाए बाबू आर्यन? यस सर। तो प्रिज में फार्मूला कैसे बताएं बाबू, सारे पहले प्रिज को डिफाइन करके सारे को बदले बाबू? यस सर। दिक्कत होता था फिर से जब पढ़ाएंगे ना फिर से एक बार ये सब रिवाइज करवा देंगे आप लोग का ताकि कमांड हो जाए, एक बार फिर से ये सारा का रिवाइज करवा देंगे ना तो कमांड हो जाएगा। उसके बाद 8, 9, 10 कोई भी आ जाए कोई दिक्कत नहीं। हम समझ रहे बाबू आपकी भावना, एक बार में नहीं कंसेप्ट क्लियर हुआ तो ये सब फिर से एक बार रिवाइज करवा देंगे, एक महीना फिर चलेगा। नेक्स्ट बाबू, पेंटागोनल पिरामिड। पिरामिड, पेंटागोनल पिरामिड, पिरामिड सर अब लिख भी रहे सब प्रिज्म लिख रहे, बोल भी रहे सब प्रिज्म बोल रहे, पेंटागोनल पिरामिड। चलो कोई दिक्कत कहा उधर उधर क्या देख रहे हो ना, हद करते बाबू। कुछ नहीं सर। ना ही कुछ कैसे, उधर तो कुछ देख रहे थे ना बाबू, मेरे मेरे लैपटॉप में ऐसे मैसेज आता है सोना है ना बाबू, लुकिंग लाइट, लुकिंग लेफ्ट, लुकिंग लुकिंग अप, लुकिंग डाउन। देखो जानवी दास से हंस रही है। इफ द बाबू बेस ऑफ बाबू, इफ द बेस ऑफ बाबू पिरामिड बाबू इज इन द शेप ऑफ बाबू पेंटागोनल देन इट इज कॉल्ड पेंटागोनल पिरामिड है ना। आदित्री बाबू मेरे प्यारे से बाबू, आप खाली यस यस में खाली यस ये साइलेंट हो जाता है तभी तो नहीं ठीक है बाबू, मुस्कुराइए तो थोड़ा। अरे टेंशन किस बात का आदित्री, नहीं मिली तो नहीं मिली, हम थोड़ी कुछ बोल रहे हो नहीं मिली तो नहीं मिल पाई है ना, उसके लिए कोई इशू की बात नहीं है। नहीं मिल पाए तो नहीं मिल पाए क्या दिक्कत है, वो फिर कभी आ जाएंगे। अरे नहीं थी बाबू बाहर चल गई थी। इतना इजी से बन गया पेंटागोनल पिरामिड, चलो ठीक है ना। पिरामिड इसका बनाना है, इसका पिरामिड बनाना है तो क्या करेंगे, एक ऊपर में मिडिल पॉइंट लो है ना, अच्छी बात है, इसको इससे मिला दो। इतना बड़ा पेंटागन क्यों बना दिया? इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो, इसको इससे मिला दो और इसको इससे मिला दो। श्रुति, श्रुति चलो जानवी शर्मा तो छोटी बाबू जानवी शर्मा। यस सर। कल से छो आराध्या को 3 से 4 कहाँ रहती है 3 से 4?
सर घर ही पे रहती है सर। घर पे रहती है, अटेंड करवाइए ना, देखिए ना टॉफी लाते हैं, जाएंगे कल टॉफी लाएंगे 50-100 का, ठीक है ना। और आपका भी बाबू जो ये प्रखर, ठीक है ना, 3 से 4 कहाँ रहती है? घर ही पे रहती है। हाँ तो कुछ नहीं, टॉफी आई ना कि बाबू परेशान करे लगे मम्मी को, मम्मी मम्मी टॉफी दो। एडिशन शुरू करेंगे, सबसे पहले एडिशन टेबल वगैरह एडिशन शुरू करें, ऐसा एडिशन एकदम बच्चा वाला, 1 टॉफी 1 टॉफी 2 टॉफी। और आपका आनंद बाबू उसको भी देखना अटेंड करवा कर, ठीक है आनंद? ठीक है सर। हाँ बाबू है ना, बस छोटा छोटा। और बाकी कल बाकी कॉल करते हैं, सारे पेरेंट्स के यहाँ कॉल करते हैं, है ना, जो 5+ रहेगा वो 4 बजे से 5 बजे पढ़ाएंगे नंबर से। 3 से 4 बाबू, 2, 3, 4 वाले के लिए 3 से 4, 5, 6, 7, 8 वाले के लिए 4 से 5, क्लास 9 वाले के लिए शाम को 8 से 9, है ना बाबू? यही है, चलो लिखो जल्दी लिखो जल्दी लिखे जल्दी लिखे। नेक्स्ट बाबू फार्मूला हम लोग पढ़ लेंगे, क्या पढ़ लेंगे? फार्मूला पढ़ लेंगे, कितना सुंदर सा डायग्राम, कितना सुंदर सा डायग्राम है बाबू, अच्छा तो लगता है एकदम बड़ा बड़ा बना रहे, ठीक है आप लोग भी सुंदर सुंदर बना। अब बाबू हम लोग फार्मूला पढ़ेंगे ना, लिखो एक बार और समझा देते, बाबू है ना, एक बार और समझा देते, नहीं तो आप लोग लोने लगोगे। जल्दी लिखो जल्दी लिखो, क्या लियो इसे ना, पिरामिड है कि फ्रिज में बाबू? नहीं सर, आई कार्ड है। आई कार्ड है, चलो ठीक, इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है सोना। तो वो कोचिंग फिर क्यों छोड़ दी बाबू, शाम को जाते थे जो वाले? क्या सर? शाम को जाती थी वो, क्यों मैंने छोड़ दी, क्या दिक्कत हो गया वहाँ? नहीं सर कुछ दिक्कत नहीं। अच्छा चलो ठीक, आप घर बैठे घर का क्लास बाबू 7 बजे आओगे कि नहीं? 7 बजे पढ़ोगे बाबू? ट्रायंगल पढ़ रहे थे, कल वाला लेक्चर देख पाई हो? नहीं सर नहीं पढ़ पाऊंगी, आज शायद 7 बजे आएंगे। आज आएंगे 7 बजे? हाँ है ना, तो आगे पीछे टाइम करने की कोशिश करना, वो कहना थोड़ा सा आगे का टाइम कीजिए ना, पीछे कहाँ करोगे सर? और कोई टाइम ही नहीं है, बोल रहे थे कल। चलो देखते हैं बाबू, 7:30 बजे करना। देखो इसमें हम बाबू हम लोग 2-2 40-40 मिनट का 2 पीरियड करेंगे कुछ दिन में, है ना, 40-40 80 मिनट, है ना। तो 6 से शुरू करेंगे तो कहाँ जाएगा, 7:20 तक जाएगा, 7:30 तक जाएगा, 7:20 7:10 15 तक जाएगा, है ना। हमको फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ सारा पढ़ाना है, चलो ठीक है। देखो समझो समझिए, देखो बाबू पिरामिड क्या बाबू, तो पिरामिड का बाबू है ना, पिरामिड का जैसा बेस रहेगा उसी के नाम पे क्या उसका नामकरण करेंगे ना, नाम रखेंगे ना। यहाँ पे बेस कैसा दिखाई दे रहा है, स्क्वायर दिखाई दे रहा है, तो इसको हम लोग कौन सा पिरामिड कहेंगे, स्क्वायर पिरामिड कहेंगे। कैसे कहेंगे वो, स्क्वायर पिरामिड कहेंगे, कैसे कहेंगे मेरे लाल, स्क्वायर पिरामिड कहेंगे ना, स्क्वायर पिरामिड कहेंगे ना। देखो ना रोटेट करो ना, ये कैसा है वो पिरामिड है, कैसा है पिरामिड है, कैसा पिरामिड है ना, तो इसका बेस कैसा स्क्वायर है ना, तो ये क्या हो गया स्क्वायर पिरामिड हो गया, क्या हो गया स्क्वायर पिरामिड हो गया ना बाबू, ठीक हो। उसी पर अगर बेस कैसा है, यहाँ बेस कैसा दिख रहा है, ट्रायंगल दिख रहा है ना, ट्रायंगल दिख रहा है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, ट्रायंगुलर पिरामिड कहेंगे ना, इसको हम क्या कहेंगे वो ट्रायंगुलर पिरामिड कहेंगे, क्या कहेंगे सदा मेरे, ट्रायंगुलर पिरामिड है ना, ठीक है। उसी प्रकार वो बेस मेरा मान लो रेक्टेंगल रह जाएगा, तो हम लोग क्या कहेंगे, रेक्टेंगुलर पिरामिड कहेंगे। बेस में मान लो यहाँ पे बेस कैसे आपको दिखाई दे रहा, पेंटागोन दिखाई दे रहा ना, पेंटागोन कहने का मतलब क्या बाबू, 5 साइड, पेंटागोन मतलब क्या, 5 साइड, 5 साइड। सूर्य में बेसिक में ज्योमेट्री जब पढ़ा है ना उसी समय आपको डिफाइन किया पेंटागोन हेक्सागोन, तो यहाँ पे बाबू 5 साइड नहीं दिखाई दे रहा है ना, 5 साइड दिखाई दे रहा है ना, है ना, ठीक बाबू है ना, तो यहाँ 5 साइड दिखाई दे रहा है ना, तो ऐसे पिरामिड को हम लोग क्या कहेंगे, पेंटागोनल पिरामिड कहेंगे। मान लो बाबू यहाँ 6 साइड हो जाएगा, 6 साइड हो जाएगा, तो उसको हम लोग क्या कहेंगे, हेक्सागोनल पिरामिड कहेंगे। जैसे क्या सर, जैसे मान लो बाबू ऐसे 6 साइड हो जाए, है ना बाबू, ये हो गया सर, ये हो गया सर, ये हो गया सर, ये हो गया सर, ये हो गया, है ना, और ये हो गया, और यहाँ से बाबू क्या इसको मिला दो, है ना, यहाँ से मिला दो, तो यहाँ कितना साइड है, 6 साइड है ना बाबू, 1, 2, 3, 4, 5, 6 साइड है ना। अब यहाँ से अगर इसे पिरामिड बनाते हो, इससे अगर पिरामिड बनाते हो, है ना बाबू, है ना, इससे अगर पिरामिड बनाते हो, ठीक है, तो इसको हम लोग क्या कहेंगे, हेक्सागोनल पिरामिड कहेंगे ना, हेक्सागोनल पिरामिड है ना। तो ऐसे बहुत सारे संभव हो सकता है कि हम टाइम वेस्ट क्यों करें इसमें बाबू, है ना,
है ना, इतना बाबू हेक्सागोनल हेप्टा टाइम वेस्ट क्यों करें ना, नॉर्मल से इतना दो तीन हेप्ट पढ़ना बाबू है ना, दो तीन पढ़ना, मान लो सात वो साइड बनाया जाता है, हेप्टागोनल आएगा, आठ को बनाया जाता है ऑक्टागोनल आएगा, नौ को बनाया जाता है नोनागोनल पिरामिड आ जाए, है ना, तो बहुत सारे पॉसिबल हो सकते हैं ना। ठीक, नेक्स्ट बार अब हम लोग क्या पढ़ेंगे बाबू, अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे, पिरामिड का क्या पढ़ेंगे, फार्मूला पढ़ेंगे ना, मतलब क्या सर, इसका वैल्यूम निकालेंगे और इसका क्या निकालेंगे बाबू, इसका क्या निकालेंगे, वैल्यूम निकालेंगे, इसका सरफेस एरिया और टोटल सरफेस एरिया निकालेंगे ना। तो नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, नेक्स्ट हेडिंग देंगे हम लोग, है ना, नेक्स्ट हेडिंग देंगे बाबू, नेक्स्ट हेडिंग देंगे फार्मूला बाबू पिरामिड, फार्मूला बाबू क्या, पिरामिड का फार्मूला, है ना। सर इसका भी वही सर, वॉल्यूम और टोटल सरफेस एरिया कर सकते हैं। हाँ बस बस बस, अब कुछ नहीं, उसके आगे जिंदगी है ही नहीं। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, शर्मा समझ रही बाबू? यस सर। हाँ तो पिटाने के लिए तैयार रहिएगा आप हमारी संजना। संजना यस सर। कहानी रो, कहानी समझ में आ रहा बाबू? सर समझ में तो आ रहा। समझ में आ रहा तो फिर हो रहा कि फिर छोड़ दियो? हो रहा सर। हो रहा अभी, अभी जो हाँ तो अभी मन से कूटेंगे इस पर तो ना छोड़ेंगे बाबू, ठीक है ना। नेक्स्ट बाबू, तो वैल्यूम ऑफ जो पिरामिड होता बाबू, वैल्यूम ऑफ जो पिरामिड होता है, वैल्यूम ऑफ पिरामिड जो होता है एलकेजी का चीज, वैल्यूम ऑफ जो पिरामिड है बाबू, है ना, ठीक है ना। तो वैल्यूम किसी का क्या होगा बाबू, देखो वैल्यूम ऑफ पिरामिड जो होगा बाबू, है ना, वैल्यूम क्या होगा सर, वैल्यूम आपको मान लो क्यूब है, तो वैल्यूम क्या होता है, लेंथ इनटू ब्रेथ इनटू हाइट होता। तो यहाँ पे वैल्यूम क्या करना, वो जैसे आपको फ्रिज में बताया था ना उसी तरह से करना, वैल्यूम कितना होगा, 1/3 बाबू इनटू क्या होगा, बेस एरिया, बात समझना, इनटू क्या होगा बाबू, बेस एरिया इनटू क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, है ना, हाइट हो जाएगा। किसका हाइट सर, पिरामिड का हाइट, सलाइंट हाइट नहीं लेना नहीं तो गलती हो जाएगा, अभी अभी बताते हैं। हाइट ऑफ बाबू पिरामिड, हाइट ऑफ बाबू पिरामिड, पिरामिड क्या बाबू, डायग्राम इससे बढ़िया बनाते हैं, इससे बढ़िया ऐसे इसमें तो ठीक है बाबू, है ना। देखो ठीक है, देखो बाबू वैल्यूम निकालना बाबू, है ना, अब यहाँ से समझना पे, ठीक है, रुको सैतान, यहाँ से बाबू ये हाइट, यहाँ से बाबू इस वर्टिक्स हो गया, यहाँ से एक अपोजिट एक लाइन ड्रा करो, इसे वर्टिकल, है ना, तो ये जो लाइन ड्रा करो बाबू यही आपका क्या कहलाएगा, पिरामिड का क्या कहलाएगा, हाइट कहलाएगा, है ना बाबू, हाइट कहलाएगा। गुड इवनिंग सर, वेरी वेरी गुड इवनिंग, ये बाबू आपका क्या कहलाएगा, हाइट ऑफ पिरामिड होगा, है ना, हाइट ऑफ पिरामिड होगा, हाइट ऑफ पिरामिड हो जाएगा, है ना, पिरामिड का क्या हो जाएगा, हाइट हो जाएगा, ठीक ठीक बाबू। तो इसको शॉर्ट फॉर्म में कैसे लिखोगे, अगर वॉल्यूम ऑफ पिरामिड लिखना बाबू, वॉल्यूम ऑफ पिरामिड लिखना है ना, वॉल्यूम लिखना, वॉल्यूम लिखना है ना, तो कैसे लिखोगे, कैसे लिखोगे वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, कैसे लिखो, 1/3, बेस एरिया कितना, बेस एरिया को बी मान लेते बाबू, और हाइट को एच मान लेते हैं, हाइट को हम लोग क्या मान लेते हैं, एच मान लेते हैं, तो कितना हो जाएगा, 1/3 बी इंटू एच, है ना, 1/3 b into h बता रहे हैं, समझाते हैं, समझाते हैं, समझाते हैं, समझाते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो वॉल्यूम ऑफ पिरामिड के क्या हो जाएगा सर, 1/3 हो जाएगा सर, b होगा, h हो जाएगा, है ना, b h हो जाएगा, है ना, राइट डाउन करो फिर समझा रहे हैं सर। सर जब हम निकालेंगे सर तो बेस एरिया लेंगे सर, सिर्फ बेस ही लेंगे, बेस एरिया, बेस का एरिया लेंगे ना बाबू, बेस का एरिया लेंगे सर। यहाँ क्या लिखा हुआ है, अच्छा अरे शैतान, ये फार्मूला, इसी को बेस एरिया को हमने बी से रिप्रेजेंट किया, हाइट को एस से रिप्रेजेंट किया, तीनों लिखना, तीनों को बाबू यही चीज है ना, आपको समझता नहीं है शैतान, रुको समझाते हैं। नेक्स्ट बाबू, हाँ सर समझ गया सर। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट बाबू, लेटरल सरफेस एरिया सर, BH upon 3 लिख दीजिए ना सर, 1/3 BH को लिख देते हैं। अच्छा ठीक ठीक है, चलो जनरली आप लोग बुक पढ़वाओ तो 1/3 BH रहता है ना, 1/3 BH रहता है ना, BH/3 भी होगा, कोई दिवस से कोई सुने, है ना, लेकिन बाबू आप लोग हम लोग को बुक का भी फॉर्मेट फॉलो करना, तो 1/3 BH होगा, ठीक। नेक्स्ट बाबू, नेक्स्ट BH/3, नेक्स्ट लेटरल सरफेस एरिया, ये एक नंबर हो गया, दूसरा बाबू लेटरल सरफेस एरिया, सर मैं ऑटो पे आ गई हूँ। अच्छा ठीक है बाबू, देखो तो हमारे बच्चे बाबू ऑटो में सारे जगह से क्लास करते हैं, ऑटो में, स्कूटी में, जहाँ रहे वहीं से क्लास करते हैं।
नेक्स्ट लेटरल सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया इसको हम समझाएंगे तब आपको होगा। 1/2 बाबू, लेटरल सरफेस एरिया क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ बेस होता है। पेरीमीटर ऑफ बेस बाबू इनटू क्या होगा? सलाइंट हाइट होगा। हाइट और सलाइंट हाइट में अंतर है, ये ध्यान देना सीता। यहाँ पिरामिड का हाइट है, बार बार वही पिरामिड का हाइट है और ये सलाइंट हाइट है, ठीक। जैसे कहने का मतलब क्या बाबू है ना, इसको पिरामिड को अगर सलाइंट हाइट लो बाबू, इसके लिए पिरामिड बनाओ है ना, तो कोई बना लो बाबू, स्क्वायर बनाने का बने स्क्वायर बनाओ, क्योंकि सलाइंट हाइट का फॉर्मूला है सर, जैसे ये सलाइंट हाइट निकालने के लिए बोलेगा तो सलाइंट हाइट आपका वैल्यू दिया हो रहा है बाबू, यानी फिर भी हम देखते हैं क्वेश्चन मिलेगा तो सलाइंट हाइट वाला भी बता ही देंगे, ठीक है बाबू। तिरछा हो गया क्या जी? सर गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग। वेरी वेरी गुड इवनिंग सीता। चलो थोड़ा सा टाइम है सर, 7 बजे है। अरे शैतान छोड़ दीजिए, छोड़ देंगे, टेंशन मत लो, इसको तो कम से कम लिखो। टाइम होता है कि सब शैतान हल्ला करने रहता है। सोना काहे रो रहे बाबू? सोना नहीं समझ में आ रहा बाबू? आ रहा है सर। आ रहा बाबू, चलो अच्छी बात। सलाइंट हाइट इससे दिखाई दे पाए बाबू? हमको ऐसा डायग्राम बनाना कि आपको सलाइंट हाइट दिखाई दे, इसमें तो दिखाई नहीं दे पाएगा सर। ट्रायंगुलर प्रिज्म बनाएं उसमें दिख जाएगा। चलो ठीक है सर। सर ये सारे पिरामिड के लिए वैलिड है सर? हाँ मेरे लाल, समझाएंगे समझाएंगे समझाएंगे, सारे के लिए वैलिड है। पिरामिड में बाबू आप देख नहीं रहे हो, चेंज आखिर क्या हो रहा है? बेस है ना चेंज हो रहा है बाबू, बेस चेंज हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है, बेस चेंज हो रहा है, नाम चेंज हो रहा है, और रॉकेट साइंस थोड़ी हो रहा है। तो अल्टीमेटली सारे में क्या है? बेस है बाबू, बेस है, जैसा बेस रहेगा वैसा उसका काम होगा। जानवी शर्मा तो स्कूल में अभी कौन सा टॉपिक चल रहा है बाबू? सर वही स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट सर। डायरेक्ट वही शुरू हुआ बाबू? सर फर्स्ट चैप्टर वही है। ठीक है हम लोग भी शुरू करिए देंगे बाबू। सर स्कूल में पढ़े हैं ऐसे सर ना। तो सबसे तेज हो जानवी शर्मा, फ्रेंडशिप किसी से हुआ बाबू? यस सर ऋषिका से सर। ऋषिका से आप वहीं गए बाबू? यस सर। अरे शैतान वहीं चल गए बाबू, बा तो कैसी है पढ़ने में? सर ठीक है सर। तो पूछी नहीं है कि कहाँ पढ़ रही हो जे? यस सर पूछती है कि राज की सोशल का क्लास करती हो तो। अच्छा चलो ठीक है, वहाँ मिल गई बाबू। चलो तो आपके तो 3 फ्रेंड हो गए कि सुबह तब ढप से बात होता है? नो सर अभी तक तो नहीं बात। चलो ठीक है बाबू लिखिए। सर तो जानवी शर्मा पहले उसमें ना पढ़ी थी कहा कौन स्कूल था लाल क्लासेस? हाँ सर चेंज कर ली बाबू, ये चेंज कर ली सर। लाल क्लासेस को सर बहुत वो शिवांगी भी कहती थी सर। गुड इवनिंग सर। लाल क्लासेस लाल हाँ। वो भी लग रहा है लाली क्लासेस से पढ़ी थी। हाँ बाबू ये सर शिवांगी भी बन चुकी। गुड इवनिंग सर। वेरी वेरी गुड इवनिंग बाबू, वेरी वेरी गुड इवनिंग। नेक्स्ट बाबू नेक्स्ट टोटल सरफेस एरिया लिखने के लिए लिखो 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 लिख लिया सर, थोड़ी ना शायद वो टाइम हो गया सर, छोड़ दीजिए ना। कहाँ जाना बाबू आनंद? काम है सर, होमवर्क करना है सर, इतना भर भर के लिखने के लिए दे देते हैं ना सर, क्या बोलूं। कौन ले इतना लिखने के लिए दे देते हैं शैतान? सर आईसीएसई सर लिखना बहुत पड़ता है। कंसेप्ट क्लियर नहीं खाली लिखवाता वो, खाली क्लर्क वाला नौकरी करवाएगा लिखना खाली लिखना। मेरा उसका क्वेश्चन है इतना बड़ा बड़ा दिया हुआ है। जल्दी लिखे जल्दी लिखे, आप लोग जाइए वो सबको आने दीजिए।